नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा, आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग। तो आज हम एक नए प्रोडक्ट की जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोल्ड फ्रेश पी डिया स्तंत में है ये। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, उसके बारे में आज पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ में दबाएं बेल आइकन, क्योंकि आने वाले वीडियो का नया अपडेट आपको जल्द ही मिल सके। तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आइए हम डालते इसके कंपनी पे नज़र। ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्मार्ट लेबोरेटरीज इस प्रोडक्ट को बनाती है। और इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो सिट्रजिन, पैरास्टामोल, फिनाइल एफरिन, हाइड्रोक्लोराइड इसमें जो कि प्रोडक्ट सॉरी कंटेंट मिला हुआ है। और यहाँ पर आप कोल्ड फ्रेश पी की ब्रांडिंग देख सकते हैं। फ्रेंड, इसका रिव्यू मैंने पहले भी किया था, जो कि ड्रॉप का था कोल्ड फ्रेश पी के नाम से। अब मैं इसका सिरप का रिव्यू कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसके कंटेंट जो कि सिट्रजिन 2.5 mg, पैरास्टामोल 250 mg, फिनाइल एफरिन 5.0 mg। तो ये इसका DS में कंटेंट मिला गया है। तो आइए इसके यूज़र्स के बारे में हम जान लेते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फ्रेंड, आपके बच्चों को अगर किसी तरह की इन्फेक्शन हो, जैसे कि जुखाम, खांसी, एलर्जी किसी प्रकार की हो, तो उस कंडीशन में आप इसे ड्रॉप को यूज़ में ला सकते हैं। तो फ्रेंड, एक बार हम इसको खोल के देख लेते हैं कौन सी पैकिंग में ये आता है। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत सी क्यूट सी पैकिंग है इसकी, स्मार्ट लेबोरेटरीज़ की, और बहुत ही अच्छी पैकिंग बनाते हैं। तो फ्रेंड, मैं बता दूँ, एक जेनरिक सिरप है। अगर आपको ये मार्केट में नहीं मिल रहा तो इसकी जगह आप सीना रेस्ट सिरप ले सकते हैं। अदरवाइज़ और भी एथिकल कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं। तो आइए इसके और यूज़ के बारे में जाने। तो फ्रेंड, आपके बच्चों को या खांसी हो रहा है, या दमा हो रहा है, या श्वास फूल रहा है, या किसी प्रकार की काली खांसी या कफ साथ में आता है, तो उस कंडीशन में आप इस सिरप को दे सकते हैं। तो फ्रेंड, ये बुखार में बहुत ही अच्छा काम आता है। अगर आपके बच्चों को जुखाम के साथ बुखार भी है तो उस कंडीशन में भी आप इसको दे सकते हैं। और इसके यूजेस हैं जो कि टॉन्सिल्स होना या गले में बच्चों को पेन होना और आँखों में से आंसू आना, उस कंडीशन में भी इस सिरप को यूज़ में ला सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया। अगर आपको आपके बच्चों को इस प्रकार की कंडीशन बहुत ज़्यादा है तो आप इसके साथ मॉक्सिसिलिन सिरप, जैसे कि एग्मेंटिन सिरप दे सकते हैं। अगर कम है तो आप इसको ही पिलाएं। तो इसके आइए डोजेस पर नज़र डाल लेते हैं। तो इसके डोजेस है 5-5 ml। अगर आपका बच्चा 4 साल का है तो सुबह शाम 5-5 ml दें इसको, और साथ में एग्मेंटिन सिरप का भी दें, जो कि आप परचेज करेंगे मार्केट से, तो बहुत ही जल्द रिज़ल्ट मिल जाएगा और बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा आपका बच्चा। और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट फ्रेंड, आपके बच्चे को दस्त, मिथले, उल्टी या घबराहट या पेचिस वगैरह पड़ सकती हैं अगर आपके बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों, डॉक्टर की एडवाइस के बिना बच्चों को कोई भी दवाई मत दें। ये सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।